हरियाणा के नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं धनपत सिंह जी लगे हैं और आज ये वैक्सीन लगवाने के लिए पंचकुला हॉस्पिटल के अंदर आए हैं अपनी धर्मपत्नी के साथ, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धरनी जी, धन्यवाद। जिस प्रकार से सर आप वैक्सीन लगवाने के लिए आप अपने परिवार सहित आए हैं, वैक्सीन लगवाने से कोई डर या भय तो नहीं प्रतीत हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड मैं सभी से ये कहूँगा कि हमें जो भी एलिजिबल कैटेगरी में है, अभी 45 वर्ष या उससे ऊपर के, सबको लगवानी चाहिए वैक्सीन। इसमें कोई डर और भय की बात नहीं है। जैसे पहले हम स्कूल में होते थे तो नश्तर लगते थे, उसको बोलते थे, तो एक आधा दिन बुखार आ सकता है या छोटी मोटी और परेशानी हो सकती है, लेकिन इससे लंबे समय के लिए हम इस बीमारी से बच सकेंगे ताकि ये घातक सिद्ध ना हो। सर, जिस प्रकार से COVID-19 एक बार फिर से वापसी बड़ी स्पीडली आ रहा है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, इसके लिए आप क्या लोगों से कहेंगे? देखिए, ऐसा होता है कि जैसे कोई चीज़ जब लंबे समय तक खिंच जाती है तो उसमें थोड़ा सा हम ढिलाई बरत देते हैं या शिथिल हो जाते हैं, फैटीग बोलते हैं उसको। तो उसी तरह से शायद लोग थोड़ा परेशान हो गए थे, और जैसे ही खुला तो मार्केट भी एकदम से भर गई, मॉल्स भी दोबारा से शुरू हो गए, रेस्टोरेंट्स भी। तो खैर, इकोनॉमी के नाते वो सब चलना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हमें जो प्रिकॉशंस हैं, कम से कम मास्क पहनने की और जो दूरी की है, वो अगर हम रखेंगे तो हम समाज का काम भी नहीं रुकेगा और हम इससे बच सकेंगे ताकि ज़्यादा स्प्रेड ना हो आगे। आपको सर नया एक जिम्मेदारी सरकार के द्वारा दी गई है, अभी मुख्य चुनाव आयुक्त हरियाणा के रूप में आपने कार्यभार संभाल लिया है, आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ नज़र आ रही हैं इस टाइम? मैंने 8 तारीख को स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का कार्यभार संभाला है। माननीय राज्यपाल महोदय ने मुझे पद और गोपनीयता की शपथ राजभवन में दिलवाई थी। तो सबसे पहले तो चूंकि जो हमारा कर्तव्य है, दायित्व है कि सभी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और जो म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं उनमें चुनाव करवाए जाएँ, तो पंचायती राज चुनाव जो भी है ग्राम पंचायतों के, पंचायत समिति और ब्लॉक समितीज़ के, वो 23 फरवरी तक होने थे, लेकिन कोविड के चलते और कुछ और जो कानूनी अड़चनों की वजह से वो अभी नहीं हो पाए। तो मेरी प्राथमिकता होगी कि जैसे ही कोर्ट केसेस वगैरह ख़त्म होते हैं और थोड़ा सा इससे हमें कोविड से थोड़ा सी शांति मिलती है, तो हम उनको निष्पक्ष रूप से पंचायती चुनाव करवाएं ताकि पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर जो एक लोकतंत्र है वो स्थापित हो सके। पंचायती चुनाव और ये चुनावों का तो एक पहलू हो ही गया, लेकिन इसके अलावा क्योंकि COVID-19 के लिए भी लोगों में अवेयरनेस के लिए अपने ऑफिस में जो आपके अधीन कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइन है? नहीं, सभी के लिए यही है कि जो हिदायतें इसमें दी गई हैं, आज ही आपने देखा होगा इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से भी काफ़ी एड कम्पेन आया है, प्रधानमंत्री जी ने भी परसों दूसरी डोज ली है, उनकी तरफ से भी यही संदेश है। तो मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक सभी का यही आह्वान है, लोगों से निवेदन है कि वो आवश्यक हिदायतें फॉलो करें, मास्क पहनें, दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, और जहाँ तक आवश्यक ना हो घरों से बाहर ना निकलें। तो यही मेरे अपने कार्यालय के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए भी यही सभी के से निवेदन है। अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको वैक्सीन लगाने के लिए कोई स्पेशल मुहिम चलाएंगे? हाँ, मैं सभी से अनुरोध करूँगा, और बल्कि अब तो स्टेट में तो ये ऑलमोस्ट एक कंपलसरी जैसा ही हो गया, तो 45 वर्ष से ऊपर जो भी एलिजिबल हैं उनको हम प्रेरित करेंगे कि वो वैक्सीन लगाएं ताकि वो अपने आप को, अपने परिवार को और अन्य साथियों को सुरक्षित रख सकें। धन्यवाद सर। तो ये हैं धनपत सिंह जी, इन्होंने हाल ही में जो है हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला है और खुद वैक्सीन लगवाने के अलावा अपनी धर्मपत्नी के साथ आए, और सबसे अहम बात ये कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों को भी ये आने वाले दिनों में इसके लिए प्रेरित करेंगे और सभी वैक्सीन लगवाएं इसके लिए कहेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, पंचकूला।